जिंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो आप कभी किसी को बताते नहीं, और कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो आप चाहते तो हैं लोगों को बताना, पर उन्हें बताते बताते बहुत देर हो जाती है। प्राजक्ता और उसके पति यहां इस नए घर में आज ही शिफ्ट हुए थे। नई नई शादी, नई जगह, नया घर और एक नई जिंदगी, ये सब मिलजुल के प्राजक्ता को नर्वस भी कर रही थी और साथ ही एक्साइटेड भी। घर में पहले ही दिन सारा वक्त सिर्फ सामान को अनपैक करने और घर को सजाने में निकल गया। प्राजक्ता और उसके पति पंकज ने 90% घर को पहले ही दिन सेट कर लिया और फिर धीरे धीरे पूरी तरह सेटल करने में एक हफ्ता लग ही गया। प्राजक्ता इस पूरे टाइम खुश तो बहुत थी, लेकिन पता नहीं क्यों रह रह के उसे हमेशा किसी के आस पास होने का एहसास होता। कभी ऐसा लगता कि कोई साथ साथ पीछे चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बगल वाले कमरे में गुनगुना रहा है। आज पंकज और प्राजक्ता का 8वां दिन था इस घर में। पंकज ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए मुंबई गया था और रात से ही प्राजक्ता को थोड़ा बुखार था। सुबह उठने में थोड़ी देर हुई तो चाय पीते पीते याद आया कि गार्डन में पानी तो दिया ही नहीं। उसने जल्दी से चाय खत्म की और बाहर गार्डन में पहुंची तो देखा कि उसके सारे पेड़ पौधों फूल पत्तियों को पानी दिया जा चुका है। उन पे पड़ी बूंदे रह रह के सुबह के सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। प्राजक्ता वापस घर के अंदर गई और किचन में सब्जियां काटने लगी। काफी देर से वो सोच रही थी कि पानी तो उसने डाला ही नहीं और पंकज 2 दिन के बाद लौटेंगे, पानी किसने डाला। वो ये सोच ही रही थी कि उसे ठीक अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ और प्राजक्ता ने इस बार दांत भींचते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो यहां से निकल जाओ, ये मेरा घर है। दोपहर का खाना खाकर प्राजक्ता टीवी देख रही थी। टीवी पर जैसे थोड़ी देर पहले उसकी कही हुई बात का जवाब दिखाया जा रहा हो। जो सीरियल आ रहा था उसका डायलॉग था, आज तक मैंने तुझे तंग नहीं किया, ना ही किसी बात के लिए रोक टोक की, और तू मुझे यहाँ से जाने को कह रही है। अब देख मैं तेरे साथ क्या कर रही हूँ। ये आखिरी शब्द प्राजक्ता ने ठीक अपने कानों में सुने, जैसे कोई उसके पीछे से बोल रहा हो। प्राजक्ता भी बड़ी स्ट्रांग लड़की थी, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने टीवी बंद किया और दोपहर की नींद लेने चली गई। प्राजक्ता को संगीत का बहुत शौक था और हर शाम 5 बजे वो रियाज करती थी। सोकर जब वो उठी तो हाथ मुंह धोकर रियाज करने बैठी। सारे गामा पाधानी सा। इसके आगे जो हुआ वो प्राजक्ता जैसी स्ट्रांग लड़की को भी सहमा गया। उसकी गाई सरगम का जवाब जिसने भी दिया, उसकी सांसें प्राजक्ता को अपने चेहरे पे महसूस हुई और उसी ने ये धुन भी गुनगुनाई। उसने पलट कर पूरे कमरे में छान मारा, फिर पूरे घर में, लेकिन वहां कोई नहीं था प्राजक्ता के अलावा। प्राजक्ता ऐसी बातों पे डर के चीख पुकार मचाने वालों में से नहीं थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था इस बात का। एक दिन जब सूखे कपड़े लेने छत पे गई, आसमान में बादल गरज रहे थे, बहुत जोर हवाएं चल रही थी। कुछ ही देर में बहुत जोर बारिश शुरू होने वाली थी ऐसा लग रहा था। उसने अपनी साड़ी तार से उतारने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया कि उसकी साड़ी
हवा में उड़कर उस बांस पर जा अटकी जिससे ये तार लगा हुआ था। दूर से देख के ऐसा लग रहा था जैसे साड़ी बांस पे नहीं बल्कि किसी के चेहरे पे फंसी। प्राजक्ता ने हाथ बढ़ा के साड़ी को छुड़ाने की कोशिश की तो उसके हाथ पे किसी के जोर से भोंकने की उसे कर्माहट महसूस हुई। प्राजक्ता साड़ी वहीं छोड़ के वापस दौड़ी, छत का दरवाजा बंद किया और नीचे अपने कमरे में पहुंची तो बेड पर आंखों के सामने थी वही साड़ी जो छत पे अटकी हुई थी और बकायदा तह करके रखी हुई थी। पर अगर वो साड़ी यहां थी तो ऊपर कौन सी थी? प्राजक्ता तुरंत उठ के वापस छत की ओर दौड़ी, जाके देखा तो साड़ी अब भी वही थी। प्राजक्ता को न जाने क्या सूझा कि उसने माचिस जलाई और उस साड़ी में आग लगा दी। प्राजक्ता नीचे अपने कमरे में आई तो देखा कि बिस्तर पर तह करके रखी हुई उसकी साड़ी बुरी तरह से जली और झुलसी और कुचली पड़ी थी और पीछे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। शाम को जब पंकज वापस आया तो प्राजक्ता ने इस घटना के बारे में उसके साथ कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि अगर करती तो शायद किसी और इंसान की तरह पंकज भी उसे पागल ही कहता। देर रात सोते वक्त प्राजक्ता की नींद तब खुली जब उसे लगा कि उसकी चादर कोई नीचे खींच रहा है। प्राजक्ता ने नींद में ही चादर वापस खींची और खींचते ही चादर दोबारा नीचे खींची गई और इसी बीच चादर फटने की आवाज आई। इससे पहले कि प्राजक्ता चीजों को समझ पाती किसी ने उसके दोनों पैरों को जोर से पकड़ा और उसे बिस्तर से नीचे घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए घर के ठीक बाहर गार्डन में ले जाके उसे छोड़ दिया। सुबह जब प्राजक्ता की आंख खुली तो पंकज ऑफिस जा चुका था। प्राजक्ता चाह के भी उठ नहीं पा रही थी, उसके सर और पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था और चादर बिस्तर पर फटी हुई पड़ी थी। उस दिन रात को जब पंकज ऑफिस से घर लौटा तो बहुत थका हुआ था, वो सीधे नहाने चला गया और नहा के बाहर निकला तो देखा प्राजक्ता सामने खड़ी थी। प्राजक्ता बोली कि उसको कुछ जरूरी बात करनी है, कुछ बताना था। पंकज कपड़े पहनते हुए हंसते हंसते ही बोला, अरे बोलो ना, क्या हुआ? नए घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? प्राजक्ता ने आगे जो बताया वो किसी की भी शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर सकती है। उसने बताया, एक्चुअली मेरी शादी जबरदस्ती मेरे माँ बाप ने करवाई थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मतलब अभी भी है, आप जब नहीं रहते हो मेरी उससे अक्सर बात होती है। उसने इतना बोला ही था कि पंकज ने वही किया जो कोई भी करता, दरवाजे से बाहर निकल के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और चिल्ला के बोला, तो निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, सूरत भी मत दिखाना अपनी कभी मुझे। पंकज से गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसका मन तो किया कि कमरे की बालकनी से धक्का मार दे प्राजक्ता को, कि तभी प्राजक्ता की ही आवाज से उसका ध्यान टूटा। आवाज ऊपर उस कमरे से नहीं बल्कि नीचे किचन से आई थी। अरे क्या हो गया, किस पे चिल्ला रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? पंकज का गला सूख गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। फिर भी उसने जो सुना था वो उसके सर पे सवार था। वो तुरंत नीचे किचन में गया और प्राजक्ता से कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती कराई गई ना? अगर ऐसा ही था तो क्यों की शादी, मना कर देना चाहिए था। प्राजक्ता कुछ बोले इससे पहले ही
एक हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजी। अब मजा आया तुझे? राजकता ने तुरंत सोचा कि अब बता ही देना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। प्राजक्ता ने बोलना शुरू किया, देखो पंकज, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। एक्चुअली इस घर में ना बोलते बोलते वो बीच में ही अटक गई। प्राजक्ता चाह कर भी आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। प्राजक्ता जिद्दी तो थी, इसलिए उसने फिर बोलने की कोशिश की। पंकज क्या है ना इस घर, इस बार भी जब उसके गले से आवाज नहीं निकली तो गुस्से में उसने तुरंत एक पेपर और पेन उठाया, लेकिन लिखने की लाख कोशिशों के बाद भी लिख नहीं पाई और उसके कानों में एक आवाज फिर से गूंजी। तू लाख कोशिश कर ले पर मेरे बारे में ना तो तू किसी को बता पाएगी और ना लिख पाएगी। प्राजक्ता और पंकज शादी के बाद नए शहर नए घर में शिफ्ट हुए और वहां आते के साथ ही शुरू हुई प्राजक्ता के साथ कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में अगर वो बोलना चाहती तो उसकी आवाज अटक जाती और अगर लिखना चाहती तो लिख भी नहीं पाती। धीरे धीरे ये बातें प्राजक्ता को पागल बनाए जा रही थी। पंकज भी बीच बीच में घर से बिजनेस टूर के लिए 2-3 दिनों के लिए गायब रहता था। ऐसे में वो सारी चीजें प्राजक्ता के साथ और भी ज्यादा होती। ऐसे ही एक दिन दोपहर में प्राजक्ता सो रही थी तो घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था पोस्टमैन एक चिट्ठी लिए। प्राजक्ता के इस नए घर के ठिकाने पर यह पहला खत था। उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया तो यह चिट्ठी झारखंड के एक सेशन कोर्ट की थी। जैसे जैसे प्राजक्ता चिट्ठी को पढ़ रही थी घर की चीजें अचानक से हिलना शुरू हुई। दरवाजे अपने आप खोलने और बंद होने लगे। किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। इस बार ये सारी चीजें प्राजक्ता को डरा नहीं रही थी क्योंकि चिट्ठी में लिखी चीजों के सामने ये सारी चीजें बहुत छोटी थी। जैसे जैसे वो चिट्ठी को पढ़ रही थी वैसे वैसे ये आवाजें और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी और प्राजक्ता की आंखें भी ना हो चुकी। उसके सामने था एक बहुत बड़ा सच जो उससे छिपाया गया था। न जाने प्राजक्ता को क्या सूझी कि वो एक पेपर और पेन लेकर लिखने बैठी और साथ ही उसने पुलिस स्टेशन में फोन करके कुछ कहा और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में घर के अंदर का तूफान शांत हो चुका था। शाम को जब पंकज घर आया तो घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। किसी से पता चला कि उसकी बीवी प्राजक्ता ने सुसाइड कर लिया है। जब वो दौड़ा दौड़ा घर के अंदर गया तो वहां पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल ये पंकज की दूसरी शादी थी जिसके बारे में प्राजक्ता को कुछ मालूम भी नहीं था। पंकज की पहली बीवी ने पंकज की हरकतों और उसके किसी और से अफेयर होने के गम में सुसाइड कर लिया था। पंकज पर इस जुर्म में केस भी चला पर वो चिट्ठी जो प्राजक्ता ने पढ़ी थी वो कोर्ट की ही चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि इस केस को क्लोज किया जा रहा है और पंकज को बाइज्जत बरी किया गया है। प्राजक्ता ने मरते वक्त एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने लिखा कि
कि मुझे मेरे पति की सच्चाई मालूम चल चुकी है और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद लोगों को लगे कि मैं पागल हूं, पर मुझे यकीन है कि इस घर में मुझे परेशान करने वाली आत्मा पंकज की पहली बीवी की ही है। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरे पति पंकज ही हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। पंकज पर फिर से एक केस शुरू हुआ और इस बार उसे 10 साल की जेल हुई। वो घर पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है, पर वहां के लोग जो उस घर के अगल बगल रहते हैं की माने रात होने के बाद वहां औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती है।